अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 4 लेके आई हूँ, उसमें हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं कि सेंटेंस के जो हिस्से हैं उनका बताना है कि वो ग्रामेटिकली फंक्शन कैसे कर रहे हैं या ग्रामेटिकली वो क्या हैं। तो कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स डेट इंडिकेट हाउ द वर्ड्स फंक्शन ग्रामेटिकली इन अ सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस है उसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो ग्रामेटिकली क्या फंक्शन प्ले कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि जो हम बोल रहे हैं उसमें हर वर्ड को अलग अलग बताना कि इस वर्ड का फंक्शन क्या है ग्रामेटिकली। ठीक है, इसमें हमारे पास पहले 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे लेकिन अब 9 है। तो क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल। आर्टिकल को डिटर्मिनर भी कहा जाता है। सबसे पहले हमारे पास नाउन है। नाउन क्या है? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया, यानी कि कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग या फिर कोई भी आइडिया, ये सब नाउन होंगे। पर्सन जो है इसमें ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जैसे ह्यूमंस हो के। ठीक है, ह्यूमंस में जितने भी नेम हैं वो सब क्या हैं? नाउन। जैसे जैसे अली, अबीहा, अख्तर, अकबर, यानी कि जितने भी नेम हैं, जितने भी पर्सन हैं वो सब क्या होंगे? नाउन। इसी तरह अगर एनिमल्स में देखा जाए, ठीक है, तो एनिमल्स में जितने भी एनिमल्स होंगे वो सब क्या होंगे? नाउन। जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितने भी ट्रीज हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, वो सब के सब क्या हैं? नाउन। इसी तरह अगर प्लेसेस को देखा जाए, जितने भी प्लेसेस हैं इस यूनिवर्स में वो सब के सब क्या होंगी? नाउन होगी। चाहे वो पंजाब है, चाहे वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, अमेरिका, लंदन, ये सब क्या हैं? नाउन। इसी तरह अगर थिंग्स को देखा जाए तो थिंग्स में जितनी भी चीज़ें हैं, चीज़ों में ट्रीज आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद टेबल आ गया, पेंसिल आ गई, पेन आ गया, बुक, कॉपी, बैग, डोर, वॉल, ये सब क्या हैं? चीज़ें हैं। तो इन सब थिंग्स को क्या कहा जाएगा? ये नाउन है। इसी तरह अगर आइडिया है तो आइडिया में भी तो हम कोई ना कोई चीज़ ही सोचते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो भी नाउन होगा। इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो इसमें जो मैंगो है ये एक चीज़ है, ये फ्रूट है, तो ये क्या होगा मेरे पास? नाउन। इसी तरह अगर हम कहेंगे माय फ्रेंड, शी इज़ माय फ्रेंड, तो जो फ्रेंड है ये क्या है? नाउन। ठीक है, नाउन फ्रेंड एक पर्सन है तो वो क्या है? नाउन होगा। इसी तरह अब नेक्स्ट हम चलते हैं एडजेक्टिव की तरफ। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव नाउन के बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, यानी कि जो नाउन है उसकी क्वालिटी बताई जाएगी, उसके बारे में कोई खामी बताई जाएगी, उसकी खूबी बताई जाएगी, तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, यानी कि नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, शी इज़ अ ब्रेव गर्ल, यानी कि शी के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या है? शी के पास नाउन है, उसके बारे में बताया प्रोनाउन है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये क्या है? ब्रेव है। तो इसी तरह अगर कहते हैं अबीहा इज़ अ ब्यूटीफुल, तो अबीहा जो है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या है? ब्यूटीफुल है, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, तो ये क्या होगा हमारे पास? एडजेक्टिव होगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास वर्ब। वर्ब क्या है? अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन आर स्टेट, यानी कि वर्ब क्या करता है? कोई भी एक्शन जो है ना वो प्ले करता है, किसके बारे में शो करता है एक्शन, किसके बारे में एक्शन एक्सप्रेस करता है? नाउन के बारे में। जो नाउन है वो क्या, जो एक्शन है वो प्ले कर रहा है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास क्या होता है? वर्ब। जैसे ही वी वॉच्ड टीवी लास्ट नाइट, वी वॉच्ड टीवी लास्ट नाइट, यानी कि हमने लास्ट नाइट को क्या किया? एक्शन क्या था? वॉच्ड, हमने देखा टीवी। ठीक है, हमने लास्ट नाइट टीवी का क्या किया? देखा। अ रिवर फ्लोज थ्रू द वैली, एक रिवर इस वैली के थ्रू क्या करता है? फ्लोज ही बहता है, तो उसका एक्शन क्या था? बहना। तो ये हमारे पास क्या है? वर्ब। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब, यानी कि जिस तरह नाउन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या देता था? एडजेक्टिव। इसी तरह अगर एडवर्ब वर्ब है कोई भी, तो वर्ब की एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कौन देगा? एडवर्ब। यानी कि जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही रैन क्विकली। ठीक है, अब रैन क्विकली, क्विकली किसके बारे में कहा जा रहा है? उसकी रनिंग के बारे में। ठीक है, अब ये नहीं बताया जा रहा है कि ही क्विकली नहीं है, ही रैन, वो दौड़ता है, दौड़ता कैसे है? क्विकली, यानी कि उसकी वर्ब, उसका जो वर्ब है, उसका जो एक्शन है उसके बारे में बताया जा रहा है कि एक्शन उसका कैसा है, स्लोली, क्विकली, अभी कैसा है। इसी तरह ही स्विम्स वेल, यानी कि ही के बारे में नहीं बता रहे थे कि ही क्या करता है, ही तो स्विम करता है, लेकिन स्विम कैसे करता है? स्विम वेल करता है, विल अच्छा करता है, स्विम। ठीक है, तो उसके वर्ब के बारे में जो बताया जाएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी, तो वो क्या होगा? एडवर्ब। ठीक है, इसी तरह अगर कोई एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव में हम कोई भी इजाफा कर देते हैं, जैसे हम कहते हैं कि शी वाज वॉकिंग स्लोली। ठीक है, तो अब वॉकिंग क्या है मेरे पास? वर्ब, और स्लोली क्या है? उसकी इसे मीनिंग की इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है। ठीक है, शी इज़ अ ब्यूटीफुल। ठीक है, तो अब हम इस क्या है,
इज़ ब्यूटीफुल है। अब इसके बारे में हम अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं कि शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी क्या होगा, एडजेक्टिव के बारे में क्या होगा, उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब और एन एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव के बारे में भी क्या करता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, उसके मीनिंग में भी कुछ ऐड करता है। तो आई मीन कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम हमारे पास प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी कि नाउन की जगह पे जो यूज किया जाने वाला है वो क्या है, वर्ड। यानी कि लाइक जैसे हम कोई भी स्टोरी जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है, तो स्टोरी पढ़ रहे हैं तो जैसे हम पहले से पढ़ेंगे कि माई फ्रेंड नेम इज अली, ठीक है, तो अली के बारे में स्टोरी है, अली इज़ अ गुड बॉय, अली इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, अली रनिंग वेल, अली इज़ वेरी इंटेलिजेंट, अली हैव अ गुड पर्सनैलिटी। तो अली 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 बार बार हम अली का नाम नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम बताएंगे माई फ्रेंड नेम इज़ अली, अली के बारे में बता दिए कि उसका नेम अली है, अब हम उसकी जगह यूज़ करेंगे ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सनैलिटी, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। तो इस तरह में ही यूज़ करें तो ही क्या होगा, प्रोनाउन, यानी कि बार बार उसका नेम, जिस किसी भी चीज़, कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, उसका बार बार नेम ना यूज़ किया जाए, बल्कि उसकी जगह कोई भी ही शी इट वगैरह यूज़ किया जाए, तो ये या दे इस तरह, तो ये क्या होगा, ही पर्पस प्रोनाउन होगा। ही है तो उसके लिए, कोई पर्सन है तो अगर मेल है तो उसके लिए हम ही यूज़ करते हैं, कोई फीमेल पर्सन है तो शी यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है तो उसके बारे में हम यूज़ करते हैं इट दिस, ठीक है। तो अगर कोई, अगर वी है तो वी मतलब ज़्यादा है तो उसके बारे में हम वी यूज़ करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई है, प्रोनाउन। जैसे दे भी हो सकता है, ठीक है, अगर ज़्यादा है तो दे या फिर वी। उसके बाद अब इसके अगर हम, मैं आपको सेंटेंस में एग्जांपल दूँ तो मैं कहूँगी शी हैज़ मैनी चॉकलेट्स इन हर पॉकेट, यानी कि वो उसकी पॉकेट में बहुत सी चॉकलेट हैं, तो शी कहा गया उसको, यानी कि वो गर्ल है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही जो है ना ये क्या है, प्रोनाउन। ही शी इट अगर यूज़ किया जाए किसी भी नेम की जगह तो वो क्या होगा, किसी भी नाउन की जगह पे, ठीक है, किसी भी नाउन की जगह पे ही शी इट दे वी हम यूज़ करने के लिए हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है कि अगर सेंटेंस में वर्ड्स हैं तो वर्ड्स के दरमियान में जो रिलेशन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको शो करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में इन, ऑफ, एट, एन, ठीक है, ये सब क्या है, प्रपोजिशन। जैसे इसकी एग्जाम्पल, इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रपोजिशन इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस आर इंडिकेट द रिलेशनशिप, टू रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है बिटवीन अ नाउन एंड अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं, चाहे वो नाउन है या नाउन के अलावा जितने भी वर्ड्स हैं, उन सब में रिलेशन जो है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको शो करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए प्रपोजिशन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है आई लिव इन लंदन, यानी कि मैं लंदन में रहता हूँ, तो इसमें जो इन है, इन हमारे पास प्रपोजिशन होगा। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल में है द इंटीरियर ऑफ दिस हाउस इज माइंड ब्लोइंग, यानी कि इस घर का जो अंदरूनी हिस्सा है वो माइंड ब्लोइंग है, ठीक है। तो जो इसमें जो ऑफ है, ऑफ क्या होगा, हमारे पास प्रपोजिशन होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन और प्रपोजिशन में थोड़ी सी गलती हो जाती है, तो जो प्रपोजिशन है वो वर्ड्स का, जो वर्ड्स जो होते हैं सेंटेंस में उनमें रिलेशन शो करता है, उनमें रिलेशन एक्सप्रेस करता है, लेकिन जो कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन टू कनेक्टेड वर्ड्स, ठीक है, या फिर जो फ्रेजेस या क्लासेस होते हैं उनको आपस में कंबाइन करने के लिए, उनको आपस में ऐड करने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है उनमें रिलेशन जो है वो शो करता है, उनको ज्वाइन करता है आपस में, तो इसको क्या कहते हैं, कंजंक्शन। यानी कि जैसे इसकी डेफिनेशन है, कंजंक्शन इज अ वर्ड यूजेस टू ज्वाइन और कनेक्ट वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है, या फिर फ्रेजेस को ज्वाइन करता है एंड क्लासेस को, ठीक है। तो जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है आई एम हंग्री, ठीक है, आई एम हंग्री बट द फ्रिज इज़ एम्प्टी। अब ये दो अलग अलग बातें, आई एम हंग्री ये एक अलग है, ठीक है, उसके बाद सेकंड है द फ्रिज इज़ एम्प्टी। इन दोनों जो फ्रेजेस हैं, इन दोनों को आपस में जब उसने कंबाइन किया है, आपस में ज्वाइन किया है, तो उसमें क्या यूज़ किया है, बट, ठीक है। जैसे अगर नीचे वर्ड्स का देखा जाए तो आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, दो वर्ड्स हैं उनको आपस में कंबाइन किया है, तो इनमें क्या यूज़ किया, एंड, ठीक है। आई एंड वी, आई एंड वी इन दोनों को कंबाइन किया है, ठीक है, तो इन वर्ड्स को कनेक्ट आपस में करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, एंड। इसी तरह थर्ड एग्जांपल है आई हैव टू गो, मैं जाना चाहता हूँ बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग गुड, यानी कि मैं जो है ना वो गुड फील नहीं कर रहा, इसलिए मैं जाऊँगा, ठीक है। तो इसमें बिकॉज यूज़ किया हमने, ठीक है, समझ आ गई होगी प्रपोजिशन और कंजंक्शन में डिफरेंस क्या है और दोनों क्या है। इसके बाद
नेक्स्ट 8 वाला जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो हमारे पास क्या है, इंटरजेक्शन के. इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट इज ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट. जो ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम द वर्ड्स अराउंड इट एंड मेनली एक्सप्रेस फीलिंग रेदर देन मीनिंग. यानी कि उसका मीनिंग कोई नहीं है फिर भी वो क्या करता है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है. जैसे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, ओह ऊप्स आउच या ओह ये वाओ, ये सब क्या है, ये फीलिंग्स हैं हमारी जो हम लोग शो करते हैं. अक्सर जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो सेंटेंस के स्टार्ट पे कोई ना कोई हम जो है वो जो इंटरजेक्शन है उसको यूज़ करते हैं. लेकिन जब हम ओरल में इंटरजेक्शन यूज़ करेंगे तो जस्ट जो है ना वो बोलेंगे. लेकिन जब हम उसको रिटन में यूज़ कर रहे हैं तो एक्सक्लेमेटरी जो साइन है वो यूज़ किया जाता है. तो हम रोज़मर्रा में मुख्तलिफ जो है वो अपने सेंटेंसेस यूज़ करते हैं और उनके स्टार्ट पे हम मुख्तलिफ फीलिंग्स जो है उनको एक्सप्रेस करते हैं, उनको शो करते हैं, फीलिंग्स का इजहार करते हैं. जैसे हमें कोई चोट लग जाती है तो हम क्या कहते हैं, आउच इट्स पेनफुल. ठीक है, साथ में हम अपना फेस का जो है ना एक्सप्रेशन भी बनाते हैं बोलने में. लेकिन अगर रिटन है तो उसमें हम एक्सक्लेमेटरी जो साइन है उसको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास जो वो है आर्टिकल, कि आर्टिकल क्या है. तो आर्टिकल या डिटर्मिनर हम कहते हैं द को या फिर ए को एन को. इनके जो द है हमारे पास वो क्या है, आर्टिकल. ठीक है, तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, जब हम किसी भी चीज़ को स्पेशल बना रहे होते हैं तो उसको स्पेशल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल का. यानी कि अगर हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं लेकिन अगर वो कोई स्पेशल पर्सनैलिटी है तो हम उसके साथ द लगाएंगे. ठीक है, द कायद आज़म, ठीक है, द अल्लामा इकबाल. जब उसको हम स्पेशल करने की कोशिश करते हैं, जब स्पेशल बनाते हैं, ठीक है, तो हम उसके लिए द लगाते हैं. जैसे हम लिखते हैं द होली प्रॉफिट, ठीक है, तो उसको हम स्पेशल कर रहे हैं तो उसके साथ क्या लिखेंगे, द. ठीक है, तो ये हम आर्टिकल इसके लिए यूज़ करते हैं. तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी. तो अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो आप इसको जो है इसको अच्छे से सुने. ठीक है, इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, इसमें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. लेकिन अगर आपको कोई भी पॉइंट जो है वो थोड़ा सा उसमें कोई भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिएगा.